सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया, बहुत पीटेंगे। ओके सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी को स्टार्ट करा था। लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग वर्क पावर एनर्जी को ही पढ़ रहे हैं, और कल के क्लास में मैंने आप लोगों को पावर डिफाइन किया था कि पावर क्या होता है और पावर का मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, और जो बच्चे क्लास में नहीं प्रेजेंट थे उन्होंने वीडियो देखा होगा। तो पावर के बाद बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन का मतलब क्या होता है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि कॉलिजन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा है जो पता हो कॉलिजन क्या है? कोई नहीं है, पता है लेकिन बोलना नहीं चाहते। यस बेटा, तुम बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जो कॉलिजन बता पाए? बताओ बेटा। When two object impact with each other, ठीक है? तो जो ठीक है, गुड बेटा, शाबाश। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इम्पैक्ट करता है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों मूवेबल हो, दोनों मूव करता हो, जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि एकदम सीधा आकर के टकरा जाए, ठीक? हो सकता हो कि किसी एंगल पे आकर के टकरा रहा हो, समझ रहे बात को? आप लोगों ने देखा होगा वो ग्लास का बॉल, देखे हो जिसको कांच की गोली कहते हैं ना, देखा होगा आपने। जब कांच की गोली ऐसे रखी हुई है और सीधा अगर आप इसको रखोगे, मतलब सीधा हेड टू हेड कोलाइड कराओगे, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, मतलब लीनियर पाथ पे ही मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करेगा। लेकिन अगर उसी कांच की गोली को किसी एंगल पे जाकर के हिट करोगे, तो दोनों डिफरेंट एंगल पे जाएंगे, दोनों जो कांच की गोलियां हैं वो अलग अलग एंगल्स पे जाएंगे। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल है, कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर होता है, और सामने अगर आप कॉइन रखे हुए हो कैरम बोर्ड की, तो हिट जब करते हो तो अगर स्ट्रेट मार रहे हो तो दोनों सीधा मूव करेगा। स्ट्राइकर आपका कॉइन, दोनों ऐसे एकदम स्ट्रेट रखोगे तो दोनों स्ट्रेट मूव करेगा। लेकिन अगर एंगल पे हिट करते हो तो स्ट्राइकर कहीं और जाता है, कॉइन आपका कहीं और जाता है। जाता कि नहीं जाता? इसी बेसिस पे कॉलिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो होता है हेड टू हेड कॉलिजन, और दूसरा होता है ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन मतलब कॉलिजन किसी एंगल के ऊपर। कल जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था आपका? हेड टू हेड कॉलिजन था। जैसे M1 मास था, U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, M2 मास था, U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये हेड टू हेड कोलाइड कर रहा है आपस में, स्ट्रेट लाइन पे जाकर के हेड टू हेड कोलाइड कर रहा है। फिर दोनों सेपरेट हो गया, V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी से सेपरेट हो गया। जब हेड टू हेड कोलिजन करता है बेटा, तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1D, वन डायरेक्शन में इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? और जब ऑब्लिक कोलिजन होता है, यानी कि किसी एंगल पे कोलिजन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D, कोलिजन इन 2 डायमेंशन, है ना? दो अलग अलग डायरेक्शन में कोलिजन होगा। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोलिजन होता है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, और पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में 2 तरह के कोलिजन, पहला हेड टू हेड कोलिजन जो कि मैं पढ़ा रहा हूं अभी, आपका चल ही रहा है, दूसरा ऑब्लिक कोलिजन, यानी कि जैसे ही ये टॉपिक ओवर होगा आपका, मैं आपको ऑब्लिक कोलिजन बताऊंगा, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग अपने इलास्टिक कोलिजन के 1D कोलिजन में स्टिक करते हैं, और मैं बताता हूं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो बेटा कल हमारा कुछ एजम्पशन था, मैंने सपोज किया था कि M1 मास का एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है M2 मास का। M1 वाला U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, M2 वाला U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और मूव करने के बाद एक दूसरे से टकराया, टकराने के बाद सेपरेट हो गया। इस ड्यूरेशन को कहते हैं कि अप्रोचिंग टाइम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जा रहे हैं अप्रोच करने, लड़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं कोलिजन टाइम, कोलाइड कर रहा है अभी, ठीक है? और यह है सेपरेशन टाइम, सेपरेट हो रहा है एक दूसरे से, क्लियर? मैंने बताया था कि जब बात इलास्टिक कोलिजन की होती है तो इसमें होता क्या है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके शेप और साइज में चेंज आता है, ये ऐसे टकराया अलग हुआ, जैसे कैरम बोर्ड की गोटी है ना, हिट किया अलग हो गया। कैरम बोर्ड में ऐसा होता है कि आपने स्ट्राइकर से हिट किया, स्ट्राइकर ने गोटी को ले लेके घूम रहा है चारों तरफ, ऐसा नहीं होता है ना, सिंपल सा फंडा है भाई, हमने हिट किया कैरम बोर्ड की गोटी और स्ट्राइकर आपस में टकराया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो इलास्टिक कोलिजन उसका एक एग्जांपल है।
यानी कि जब कोलिजन ऐसा हो कि कोई बॉडी एक दूसरे से टकराए और टकराने के बाद सेपरेट हो जाए, बिल्कुल सेपरेट हो जाए, डायमेंशन में चेंज ना आए, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब 1D क्यों लिखा है वो आप जानते हो, 1D इसलिए लिखा है क्योंकि हेड टू हेड कोलिजन है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो दो चीजें कंजर्व रहती हैं। पहली चीज क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब बहुत सिंपल सा है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट का कब, m1 u1 कब, जब ये अप्रोच कर रहा है एक दूसरे से, यानी कि दिस इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मास ड्यूरिंग अप्रोच, जब अप्रोच कर रहा है ना। m2 u2 मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अप्रोच। m1 v1 मास एंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सेपरेशन। m2 v2 मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू आफ्टर सेपरेशन। सो m1 u1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ सेकेंड, तो ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं ना। अरे ये एक पार्टिकल हो गया, ये दो पार्टिकल हो गया, दोनों पार्टिकल्स मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक, टकराने के बाद वेलोसिटी चाहे कितनी भी बदल जाए, वेलोसिटी चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, अगर इन दोनों का, इसका मोमेंटम 3 यूनिट आ रहा है बेटा और इसका मोमेंटम अगर 5 यूनिट आता है, दोनों का सम कितना है, 8 है ना, दोनों का सम कितना आ रहा है, 8 यूनिट आ रहा है। तो सेपरेशन के बाद भी मोमेंटम 8 यूनिट ही रहेगा, नो मैटर इसकी वेलोसिटी कितनी भी चेंज हो जाए। जब हम लोग मोमेंटम निकालेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, तो इसका भी यूनिट कितना आएगा, 8 यूनिट ही आएगा मोमेंटम। इसका मतलब है मोमेंटम क्या है आपका, कंजर्व है। फिर मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, कौन से कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी और इन दोनों का सम, यानी कि नेट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ये वाला टर्म क्या दिखा रहा है बेटा, नेट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू द नेट काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्लियर है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, कंजर्व है। उसके बाद बेटा मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया था, है ना, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके एक रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था, ये वाला u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। बोलो हाँ या ना, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि कहां से ये आया होगा तो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है, मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी लेक्चर सजेस्ट कर दिया हुआ है, तो वहां जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा कि कहां से ये एक्सप्रेशन आया है, जो बच्चे कल प्रेजेंट नहीं थे और वीडियो नहीं देखा है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्योंकि कल यहां से मतलब जस्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, टाइम नहीं लगा था वीडियो अपलोड होने में। सो u1 माइनस u2 कह रहा है क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है ना, u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। एक ट्रेन 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड है, ठीक है, और दूसरा ट्रेन 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। पहला ट्रेन 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, दूसरा वाला 100 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरे ट्रेन में बैठे हुए लड़के को पहले वाला ट्रेन किस स्पीड से दिखेगा, 200 की स्पीड से दिखेगा, नहीं, क्योंकि 100 से तो ये खुद ट्रैवल कर रहा है ना, 100 दिखेगा ना। तो ये जो 100 आया वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, समझ रहे बात को, मतलब ऐसा कुछ। तो u1 माइनस u2 क्या बता रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्लियर है, यहां तक मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने बेटा इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू को निकाला, क्या हो जाएगा v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1, क्योंकि ये इधर चला जाएगा। और उसके बाद मैंने जब इस इक्वेशन v2 की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा था, तो मुझे ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिला था। और ये एक्सप्रेशन किस चीज का है बेटा, ये एक्सप्रेशन है v1 का,
किसका? v1। और v1 है क्या? v1 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद पहला वाला ऑब्जेक्ट हुआ जो वेलोसिटी ऑब्टेन करेगा, गेन करेगा, वही एक्सप्रेशन v1 से आपको निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आज के केस में क्या करेंगे बेटा? मैंने v2 की वैल्यू को निकाला था तो v1 मिला था। अब अगर मैं v1 की वैल्यू को निकाल देता हूं तो मुझे v2 मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अभी मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करूंगा, और यूज करके मैं v1 को जैसे निकाला था उसी तरीके से v2 की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो चलो आओ, ठीक है, यूज करते हैं अब इक्वेशन को, डायरेक्ट यूज करते हैं। बेटा ये वाला इक्वेशन नंबर कितना था आपका, चेक करो जरा सा। इक्वेशन नंबर 4 था। इक्वेशन नंबर 4, ओके गुड। तो यहां से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 4, यहां से नोट डाउन करना है आज आपको, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से इस बार हमें क्या करना होगा बेटा, v1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो v1 को उठा करके इधर लेकर के जाओ, u1 माइनस u2 को उठा करके इधर लेकर के आओ, तो क्या मिल जाएगा आपको? v1 नेगेटिव में था, इधर गया तो पॉजिटिव में हो गया, इक्वल्स टू v2 पॉजिटिव में पहले भी था तो अभी भी रहेगा क्योंकि अपना जगह नहीं छोड़ रहा है v2, u1 पॉजिटिव में तो नेगेटिव में, और u2 नेगेटिव में तो पॉजिटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब v1 की वैल्यू को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले इक्वेशन में रख देंगे, है ना, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v1, सब्स्टिट्यूटिंग, नोट डाउन मत करो बेटा अभी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन किसमें बेटा, 1, पहले इक्वेशन में रख देते हैं। तो पहले इक्वेशन में अगर v1 की वैल्यू मैं रखना चाहूं तो v1 केवल यहां पर है बेटा, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1, v1 की जगह पे अब वैल्यू रखना पड़ेगा v2 माइनस u1 प्लस u2 ब्रैकेट क्लोज प्लस m2 v2। बहुत सही, शाबाश। यहां तक समझ में आ गई बात? चलो अब क्या करना होगा बेटा, सिंपल, इसका प्रोडक्ट कर देंगे सब में, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m1 u2 प्लस m2 v2। अच्छा चलो ठीक है, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो v2 वाला टर्म यहां पर है, v2 वाला टर्म लास्ट में है, दो v2 के टर्म मिल गए, तो इन दोनों v2 के टर्म को सेपरेट कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे। क्लियर है? सॉल्यूशन का तरीका है बेटा, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 ऐसे ही रहेगा बेटा। क्या क्या आ रहा है? m1 v2 ऐसे ही रहेगा और m2 v2 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है? तो इन दोनों को ऐसे ही रहने देते, m1 u1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस m1 u1 माइनस m1 u2 इक्वल्स टू, अब m1 v2 और m2 v2, v2 कॉमन कर ले, क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2, पक्का? m1 प्लस m2 कॉमन कर लिया, मिल गया आपको v2। क्लियर? अब करना क्या है बेटा, यहां से देखो, u1 वाला टर्म यहां पर है, u1 वाला टर्म यहां पर है, m2 u2 वाला टर्म यहां पर है, और m1 u2 वाला टर्म यहां पर है, यानी कि u2 u2 को एक साथ, u1 u1 को एक साथ। आप देख रहे हो m1 u1 प्लस m1 u1 कितना हो जाएगा, 2m1 u1 2m1 u1। अच्छा देखो यहां पर क्या होगा बेटा, m2 u2 माइनस m1 u2, तो क्या करेंगे बेटा, u2 कॉमन कर लेंगे, प्लस u2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बेटा आपको, m2 माइनस m1 और ब्रैकेट के बाहर u2, पक्का? यहां तक समझ में आ गई बात? इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v2। अब अगर मुझे v2 की वैल्यू चाहिए होगा तो क्या होगा, इस m1 प्लस m2 को उठा करके इधर पटक देंगे, ठीक? चलो यहीं लोग नोट डाउन कर दें, आ रहा है ना? नहीं, अब नहीं आएगा, यहां करते हैं।
ध्यान से देखना बेटा, तो v2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इधर आ जाएगा, तो 2m1 डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2 u2। यहां पर u1 और यहां पर u2। क्लियर है, हो गया एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां पर आ गया बेटा हम लोग को v1 और v2 मिली है, क्या मिल गया हमें v1 और v2। और ये v1 और v2 है क्या बेटा, तो देखो टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी u1 और u2 थी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v1 और v2 में, ठीक है। तो ये v1 और v2 क्या होगा, कैसे निकालेंगे, उसका मैंने फॉर्मूला निकाल दिया। v2 का फॉर्मूला यहां निकल गया, v1 का फॉर्मूला आपका यहां निकल गया, समझ गए। सो v1 और v2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब कुछ केसेस है, उस केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग बेटा यहां से इसको नोट डाउन करो, वहां तक एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हमारे पास v1 और v2 की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। v1 यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद सेपरेट हुआ, तो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ स्पेशल केसेस की डिस्कस करने जा रहा हूँ, काम यहीं तक खत्म हो चुका है, डेरिवेशन आपका यहीं तक था, लेकिन अब कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहला है बेटा जो केस मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, तो केस वन, सपोज कर लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, तो लेट दोनों ऑब्जेक्ट का मास m1 इक्वल्स टू m2, यानी कि दोनों आपस में सेम है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, चलो सपोज कर लेते हैं m के इक्वल है, यानी कि ऑब्जेक्ट m1 और m2 दोनों का मास आपस में इक्वल है, ठीक। तो अगर m1 और m2 आपस में इक्वल है, उसके जगह पे m रखे हैं, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा सा देखो v1 की वैल्यू कितनी होगी, m1 माइनस m2, यानी कि दोनों का मास तो सेम है, m माइनस m, तो ये तो पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और यहां पर 2m2, तो m2 की जगह पे क्या रखो, m रखो, और नीचे m1 प्लस m2, तो ये भी तो m के इक्वल ही है ना, तो m1 रखो, वैल्यू रखो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, प्लस 2m2 की जगह पे m डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2 की जगह पे m और m, कितना हो जाएगा 2m, और ये कितना है u2, m से m कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, मिला आपको क्या v1 इक्वल्स टू u2। अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूं बेटा। सिमिलरली v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो m2 माइनस m1 अभी भी जीरो, ये वाला फैक्टर अभी भी जीरो हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा u1, यानी कि v2 इक्वल्स टू u1, v2 इक्वल्स टू u1। हुआ क्या, u1 क्या है, पहले ये देखो u1 टकराने से पहले का, पहले वाले मास का क्या था, वेलोसिटी था। अच्छा u1 की वैल्यू कौन अटेन कर रहा है, किसको मिल रहा है, v2 को मिल रहा है। v2 क्या था, टकराने के बाद जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी v2 थी, यानी कि v2 जो है u1 से रिप्लेस हो जा रहा है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट आपका बेटा u1 है m1, और ये अगर आपका ऑब्जेक्ट m2 है u2 है, टकराने के पहले का है, टकराने के बाद का m1, ये v1 है, और ये m2 ये v2 है, तो उस केस में, जिस केस में m और m आपस में इक्वल हो गए, तो u1 वेलोसिटी को गेन कर लेगा ये वाला, बोलो हाँ या ना। यानी कि पहले वाले मास का जो ऑब्जेक्ट है टकराने के बाद दूसरे वाले मास को मिल जाएगा, समझ रहे बात को। अच्छा, और m2 u2 को गेन कर लेगा ये वाला, यानी कि u2 वेलोसिटी गेन कर लेगा v1 वाला, समझ रहे बात को। यानी कि वेलोसिटीज आपस में क्या हो जा रही हैं, इंटरचेंज हो जा रही हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत, वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जा रही है, इसका मतलब है, यानी कि अगर दो सेम मासेस के ऑब्जेक्ट
डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और कुछ देर बाद जाकर के कोलाइड कर रहा है, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल जाएगी दूसरे वाले को और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल जाएगी पहले वाले को। समझ रहे बात को? इनिशियल वेलोसिटीज क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। तो अब देखते हैं, पहला केस तो ये था आपका कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। किस केस में? केवल और केवल तब जब मासेज आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? चलो आप केस नंबर टू देख लेते हैं। केस टू, केस टू बेटा, केस टू कह रहा है कि चलो मान लेते हैं कि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m है। क्या कह रहा है? m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट का मसवा सेम है, ठीक है। एंड u2 इक्वल्स टू 0, यानी कि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। समझ रहे बात को? u2 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है बेटा? u2 मतलब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वो 0 पे है, यानी कि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, पहला वाला ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है? पहला वाला u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और u2 0 है। तो इस केस में v1 कितना होगा? v1 इक्वल्स टू, जरा सा देखो, m1 इक्वल्स टू m2, तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कौन सा? सॉरी, v1 है ना, ये वाला फैक्टर तो अपने आप 0 हो जाएगा क्योंकि m1 माइनस m2 है, मासेस सेम है। अच्छा, u2 क्या हो जाएगा? ये भी 0 क्योंकि u2 भी 0 है, तो दोनों क्या हो गया? 0, यानी कि v1 कितना हो जाएगा? v1 0 हो जाएगा। आओ थोड़ा v2 को देख लेते हैं। v2 को देखो जरा सा, ये तो 0, काम खत्म इसका। 2m1 डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2, तो 2m यहां पर भी आएगा, 2m यहां पर भी है, कट जाएगा, मिल जाएगा क्या? u1, यानी कि v2 इक्वल टू u1। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये 0 कहां से आया समझ में आपको? 0 कहां से आया समझ में आया ना आप लोगों को? बेटा आप लोग नहीं बोल रहे हो, आप लोगों को समझ में आ गया सबको? इधर नहीं, नहीं आया। फिर से देखो, देखो बेटा, मैं कह रहा हूं केस टू है, केस टू में कह रहा है दोनों ऑब्जेक्टवा का मास सेम है, तो दोनों ऑब्जेक्टवा का मास सेम कर लेते हैं। एम है, एम है, ये यू वन वेलोसिटी से, और ये ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, 0 पे रुका हुआ है, ठीक। तो टकराने के बाद बेटा, टकराने के बाद, ये टकराने के पहले का, यानी कि अप्रोच के टाइम का है, और सेपरेशन के टाइम का वेलोसिटी कह रहा है। देखो निकालना है हमको, निकालना है वेलोसिटी कितनी होगी, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, यानी कि दोनों का मास सेम है और u2 0 है। तो जरा सा देखो इस वाले इक्वेशन में, तो v1 में m1 माइनस m2, यानी कि m के m1 की जगह पे भी m रखेंगे, m2 की जगह पे भी m रखेंगे, m में से m चला गया, क्या बचा? 0 ना, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया ना। क्यों 0 हो गया? क्योंकि 0 का u1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इधर क्या बचा? 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको बाद में देखते हैं, यहाँ पर u2 है और u2 को हम पहले ही सपोज किए हुए 0 है, यानी कि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ये तो पूरा 0 हो गया ना, पूरा फैक्टर वे 0 हो गया, है ना। यानी कि v1 0 हो जाएगा और v2 हो जाएगा आपका u1। इसका मतलब क्या है? मतलब है टकराने के पहले u1 वाला जो था वो किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, u2 वाला रेस्ट था, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो जैसे ही टकराया ना, तो इस बार कौन रेस्ट पे चला गया? पहला ऑब्जेक्ट वाला रेस्ट पे चला गया, v1 0 हो गया, यानी कि टकराने के पहले जो ट्रैवल कर रहा था, टकराने के बाद वो क्या हो गया? रेस्ट पे आ गया, और पहले वाले की जो वेलोसिटी u1 थी वो किसको मिल गई? दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रेस्ट पे था। केस कुछ ऐसा ही है बेटा, मैंने कैरमबोर्ड के स्ट्राइकर को मारा, स्ट्राइकर जाकर के गोटी से टकराया, स्ट्राइकर खुद रुक गया, गोटी उसी स्पीड से ट्रैवल करने लगा। समझ लो बात को? अब यही केस था, कॉइन जो था कैरम का, कैरम कॉइन, वो स्टेशनरी पोजीशन पे था, स्ट्राइकर को मैंने वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी गेन किया, ये टकराया कॉइन से, खुद रुक गया, यू वी वन 0, यानी कि पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, लेकिन वही वेलोसिटी किसको मिल गया? वी टू को मिल गया। समझ गए? ये सेकेंडरी केस था आपका, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, दो केसेस मैंने आपको बताए, अब थर्ड केस की तरफ जाते हैं, केस नंबर थ्री। अब केस नंबर थ्री क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। केस थ्री कह रहा है बेटा कि m1 का जो मास है बहुत छोटा है m2 के कंपैरिजन में, यानी कि m1 इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू m2, यानी कि m2 बहुत बड़ा है, ठीक है।
एंड यू टू इक्वल टू जीरो, यानी कि जिसका मसवा बहुत ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। समझ में आ गई बात? कुछ इस तरीके का केस बनेगा, ये u1 है और ये आपका m1 है और ये आपका m2 है और ये जीरो, इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर मैं आपको v1 निकालना चाहूं तो v1 देखो जरा सर, u2 जीरो है, यानी कि ये वाला क्या है? जीरो है। अब m1 माइनस m2, तो m1 तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसको हम लोग m2 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर m1 को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? माइनस m2 डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2, या फिर m2 ही बोल सकते हैं ना। देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जब ऐड करेंगे तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। नहीं समझ में आ रही बात? देखो बहुत सिंपल सा कंसीडर मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि m1 जो मसवा है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। u1 वेलोसिटी से भले ट्रेवल कर रहा है लेकिन बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि m2 के कंपैरिजन में हम कह देंगे कि जीरो है। फॉर एग्जांपल समुद्र में से एक लोटा पानी अगर निकाल लिया हमने, समुद्र को कोई फर्क पड़ा? वैसा ही कुछ केस है, ठीक है। तो वही करने जा रहे हैं। अगर v1 तो देखो u2 कह रहा है जीरो, तो ये वाला फैक्टर जीरो, ठीक है। मुझे इसके बारे में सोचना नहीं, मुझे इसके बारे में सोचना है। तो मैं कह रहा हूं कि m1 बहुत छोटा है, तो अगर m1 बहुत छोटा है तो m1 को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो आपको मिलेगा माइनस m2 डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2। तो m1 तो ऑलरेडी छोटा था ना बहुत, तो m1 को अगर यहां पर ड्रॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1 को ड्रॉप कर देंगे तो m2 से m2 कट गया, मिल जाएगा क्या आपको? u1, यानी कि v1 इक्वल टू माइनस, पक्का कोई दिक्कत? सो v1 इक्वल टू माइनस u1। v2 क्या होगा बेटा? ये वाला जीरो, m1 ऑलरेडी जीरो, सब जीरो, यानी कि v2 अभी भी क्या रहेगा? यानी कि ये जो बड़का वाला ऑब्जेक्ट है बेटा वो रेस्ट वे पर रहेगा, है ना। लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट गेन करेगा वो माइनस में, v1 जो है माइनस वेलोसिटी गेन करेगा, यानी कि इससे टकराया, जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे बॉल मैंने लिया, तो वॉल के कंपैरिजन में बॉल का मास बहुत कम है, मैंने हिट किया तो बॉल वापस आ जाएगा ना, जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका उसी वेलोसिटी से वापस आ गया, वही ये केस है। सेकंड वाला वॉल है, फर्स्ट वाला बॉल है, तो बॉल को अगर u1 वेलोसिटी से मैंने हिट किया तो ये क्या करेगा? ये अपने पोजिशन से हिलेगा क्या? नहीं, इसका मास बहुत ज्यादा है, ये बॉल को वापस धकेल देगा, है ना। तो जब ये रीबाउंड होकर के वापस जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? पहले के जितना ही होगी। माइनस क्या बता रहा है? माइनस कह रहा है पहले डायरेक्शन वहां इधर था, अभी डायरेक्शन वहां इधर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? यस और नो? हाँ, इसे बोलो, पता चलना चाहिए कि क्लास में है हम लोग, है ना। चल तो ठीक है, इसको भी नोट डाउन करो, काम खत्म हो गया फिर, ठीक। सो ओके बच्चों, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन खत्म हो चुका है। मैंने उसके तीन केसेस को डिस्कस कर दिया है, v1 और v2 की वेलोसिटी कितनी होगी ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा इलास्टिक कोलिजन इन 2D, कौन डी में? दो डायरेक्शन में। अब इसका मतलब क्या है तो जरा सा ध्यान देखो, कुछ सपोज करेंगे, आप लोग ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। मैं सपोज कर रहा हूं बेटा कि m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक, अलोंग x एक्सिस। कहां पर? ये हम ऐसे करके लाइनिंग कर लेते हैं और x एक्सिस कह देते हैं इसको, ठीक। यहीं पे एक और ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा m2 मास का, यहीं पे या फिर कहीं और कहीं पे भी, ठीक है। सपोज कर ले, सिंप्लिसिटी के लिए यहीं बना लेते हैं, m2 यहां कहीं, ठीक। M2 जो है बेटा वो रेस्ट पे है, M2 किस पे है? रेस्ट पे है, ट्रेवल नहीं कर रहा है, ठीक। अब जब ये एक दूसरे को हिट करेगा तो मैं ये सपोज कर ले रहा हूं कि ये एक x एक्सिस के अलोंग नहीं जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो गया, ठीक।
आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन वाला केस था, आफ्टर कोलिजन वाला कुछ इस तरीके का होगा बेटा, यही बना लेते हैं ठीक। M1 वाला मास जो था वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा वन एंगल बना करके V1 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, पक्का, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट इससे टकराने के बाद इधर की तरफ भाग गया ठीक। और ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले दोनों आपस में कोलाइजन करे, कहां पहुंच रहा है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे करके V2 वेलोसिटी से M2 ट्रेवल कर रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ, पक्का। M1 इधर गया, M2 इधर गया, और ये अगर थीटा वन एंगल बना रहा है तो ये सपोज कर लो थीटा टू एंगल बना रहा है, पक्का, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा सा यहां पर वेलोसिटी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है बेटा, वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, होता है ना। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी थीटा एंगल पे स्प्लिट होता है तो उसके दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, पक्का। तो अगर V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो यहां से ये V1 ऐसे जा रहा है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मुझे बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे ना बेटा, थीटा वन तो इधर ही रहेगा, थीटा वन इधर और ये इसका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये वाला, क्यों हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा, थीटा से जो सटा हुआ होता है साइड उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते हैं, और हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा क्या आ जाता है बेटा, कॉस थीटा, वी वन कॉस थीटा ठीक है। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, वी वन साइन थीटा, पक्का। सिमिलरली अब देखो हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ है तो इसका हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ और वर्टिकल इधर की तरफ, V2 cos theta क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 2 एंगल क्रिएट कर रहा है, यहां पर V2, बोलो किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया जल्दी बताओ, सबको आ गया, फिर से मैं बता दे रहा हूं। देखो बेटा जिंदगी में हमेशा याद रखना कि जब भी कोई फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी किसी थीटा एंगल पे स्प्लिट होता हो तो उसके दो कंपोनेंट डिवाइड होंगे ही होंगे, दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो यहां पर जो वेलोसिटी था बेटा V1 वेलोसिटी वो थीटा वन एंगल पे स्प्लिट हो गया था ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल यानी कि जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा हो एंगल तो वो हो जाएगा V1 cos थीटा ठीक है, वर्टिकल V1 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल हमेशा cos थीटा के साथ होता है, उसके पीछे एक रीजन है, हॉरिजॉन्टल हमेशा cos थीटा पे होता है, उसके पीछे एक क्या है, रीजन है, जानना है रीजन, चलो थोड़ा सा रीजन बता देते हैं। सपोज कर लो बेटा यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर एफ फोर्स लगा इधर की तरफ, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर ये थीटा एंगल पे डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फोर्स गया कि नहीं गया ठीक, चलो ठीक है। अब क्या करो बेटा, अब हमको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कॉस होगा ऐसा कैसे पता, पता कर लेते, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये देखो यहां वाला पॉइंट, यहां वाला पॉइंट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, आपको ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू आपको पता है एफ है, लेकिन आपको क्या नहीं पता है, ये वाला नहीं पता है ना, यही वाला ना निकालना है हमको। तो ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस मतलब एक्स कर लो, अपॉन हाइपोटेनियस एफ इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ कॉस थीटा, देखो आया कि नहीं हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस थीटा। तो इसी तरह वर्टिकल को जब चेक करोगे आपको इधर क्या पता है बेटा, एफ पता है ना, आपको निकालना क्या है, इधर ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली निकालनी है, तो हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो परपेंडिकुलर साइन में आ जाता है, पक्का, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमेशा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस के साथ आ जाता है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाता है, साइन के साथ आ जाता है, पक्का। चलो तो अब केस क्या है, केस को एक बार फिर से समझ लो, M1 वेलोसिटी से, M1 मास U1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जाकर के टकराया जो कि रेस्ट में था ठीक है, और टकराने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। M1 मास वाला थीटा वन एंगल बना करके V1 वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगा
और एम टू मास वाला थीटा टू एंगल बना करके इधर की तरफ ट्रेवल करने लगा वी टू वेलोसिटी से। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मैं यहां पर मोमेंटम निकालना चाहता हूं, निकाल दूं मोमेंटम। मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम ऑफ मास m1, मोमेंटम ऑफ मास m1, मास m1। पहले वाले मास का मोमेंटम निकालना चाहते हैं हम, ठीक है? तो जरा सा देखो, m1 u1 होगा, m1 u1, ये क्या है बेटा? बिफोर कोलिजन। क्या है? बिफोर कोलिजन। क्लियर है? देखो टकराने से पहले m1 u1 आया तो बिफोर कोलिजन हो गया m1 u1, ठीक है? चलो ठीक है। अब मोमेंटम ऑफ मास m2, मोमेंटम ऑफ मास मास m2, तो m2 u2 इक्वल टू कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है? क्लियर है? चलो ठीक है। अब मोमेंटम, ये बिफोर कोलिजन था ना बेटा, ये दोनों बिफोर कोलिजन का था, ठीक? और मैं निकालने जा रहा हूं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन यानी कि टकराने के बाद का कोलिजन मोमेंटम कितना होगा। तो अब जैसे देखो, टकराने के बाद m1 मास का जो मोमेंटम है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है, वेलोसिटी जो है दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है। तो अगर वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की बात करें तो कितना हो जाएगा? m1 v1 cos थीटा 1, है ना, क्योंकि थीटा 1 एंगल था, हाँ नीचे भी, ठीक है? क्या कह रहा हूं बेटा, टकराने के बाद पहले वाले मास की जो वेलोसिटी वो चेंज हो गई, यानी कि मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम के तो दो कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? m1 v1 cos थीटा 1। तो देखो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसका? m1 मास का। तो पहला क्या होगा? m1 v1 cos थीटा 1, ये कौन सा कंपोनेंट है? x एक्सिस अलोंग, है ना, x एक्सिस के अलोंग, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह से वर्टिकल अगर निकालना चाहो तो क्या होगा? m1 v1 sin थीटा 1, किधर है? y एक्सिस, मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब आओ फिर से देखते हैं m2 मास का, देखते हैं, क्योंकि मोमेंटम देखो बिफोर कोलिजन मोमेंटम यहां निकल लिया, टकराने से पहले का m1 मास का एक ही डायरेक्शन में था, x एक्सिस के डायरेक्शन में था, तो इसीलिए इसका मोमेंटम m1 u1 आया केवल। अगर ये भी थीटा एंगल पर जाता तो ये भी क्या होता? दो कंपोनेंट में इसके भी डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ये तो x एक्सिस के अलोंग जा रहा था तो m1 u1 हो गया, दूसरा वाला रेस्ट पे था तो m2 u2 जीरो हो गया। अभी बात करते हैं कि टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम जो है m1 का, देखो तो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, cos थीटा वाला और sin थीटा वाला वर्टिकल, यानी कि मोमेंटम जो है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, m1 v1 cos थीटा 1, m2 v2 m1 v1 cos sin थीटा 1, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है? अब पहले मास का तो हो गया, दूसरे मास का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसका? m2 का। तो m2 का पहला क्या होगा बेटा? m2 v2 cos थीटा 2, किधर की तरफ? x एक्सिस की तरफ। m2 v2 sin थीटा किधर की तरफ बेटा? y एक्सिस की तरफ। पक्का? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जरा सा देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कौन सा कोलिजन है बेटा? इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास? मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही होना चाहिए ना, यही तो होना चाहिए। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंजर्वेशन लगा लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक्सिसेज है, डायरेक्ट नहीं लगा सकते, एक्सिस के अलॉन्ग लगाना पड़ेगा। तो पहले लगा लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे अगर, तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां ऐसे नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा बेटा, जरा सा देखो, M1 U1 ही तो केवल ट्रैवल कर रहा था, M2 U2 ट्रैवल ही नहीं कर रहा था, तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा, M1 U1, बोलो हाँ या ना। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं क्योंकि M1 U1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, इसीलिए M1 U1 को लेना पड़ा। इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला लेना है ना, तो केवल क्या लेंगे, M1 V1 cos थीटा 1 प्लस M2 V2 cos थीटा 2, केवल x वाला लेंगे, क्या होगा, M1 V1 cos थीटा 1 प्लस M2 V2 cos थीटा 2, ये x एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, पक्का, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब y एक्सिस के अलॉन्ग लगा दे, अलॉन्ग y एक्सिस। अच्छा y एक्सिस के तरफ नेट मोमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बताओ बेटा M1 U1 लड़ने से पहले ये y एक्सिस में मोमेंटम कोई था, क्योंकि वेलोसिटी इसका x एक्सिस में है, y एक्सिस में तो है ही नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है ही नहीं टकराने से पहले। तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये जीरो कहां से आया, क्योंकि द ऑब्जेक्ट वन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, हेंस द वेलोसिटी हैज नो कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ है ही नहीं, तो इसका तो मोमेंटम जीरो हो गया, और दूसरा वाला ऑलरेडी जीरो पे था, वेलोसिटी उसका जीरो था, तो वो उसके पास कोई भी मोमेंटम होगा ही नहीं। तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो, बट नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट M1 के पास भी है, M2 के पास भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो क्या होगा बेटा, देखो जरा सा, M1 V1 साइन थीटा 1, अच्छा प्लस की माइनस, क्योंकि ये वाला ऊपर की तरफ है, ये वाला नीचे की तरफ, तो माइनस लेना पड़ेगा, है ना, माइनस M2 V2 साइन थीटा 2, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो बेटा एक इक्वेशन आपका ये वाला बन गया और एक इक्वेशन आपका ये वाला बन गया। आप चाहो तो M2 V2 साइन थीटा 2 को इधर लेकर के आ सकते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, M1 V1 साइन थीटा 1 इक्वल टू M2 V2 साइन थीटा 2, पक्का, कोई दिक्कत, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब बताओ बेटा कि किसको किसको ये समझ में आया, किसको किसको ये समझ में नहीं आया, हाथ खड़े करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुद नहीं समझ में आया, बताओ बेटा जल्दी बताओ, कोई नहीं बोल रहा, सबको समझ में नहीं आया इसका मतलब, चलो ठीक है, फिर से आ गया, हाँ पक्का, चलो तो ऐसे बोलो ना कि समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, बता दूँ, चलिए ठीक है। तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ बेटा कि हमारे पास कैरम बोर्ड की ये गोटी है, स्ट्राइकर, ठीक, अब स्ट्राइकर से मैं कैरम बोर्ड की कॉइन को हिट किया, ऐसे करके ठक से मारा, एक्स एक्सिस खेला, तो स्ट्राइकर कहीं और चला गया और कॉइन कहीं और चला गया, तो ये देखो M1 स्ट्राइकर है मेरा, M2 कॉइन है मेरा, स्ट्राइकर U1 वेलोसिटी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने हिट किया था एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ठीक, लेकिन कॉइन हुआ तो रेस्ट पे था, जैसे ही टकराया स्ट्राइकर चला गया थीटा 1, हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 एंगल बना करके इधर की तरफ भागने लगा स्ट्राइकर, ठीक, और जो कॉइन था वो थीटा 2 एंगल बना के इधर की तरफ भागने लगा, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी हम देखते हैं कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल के ऊपर एक्ट करता है तो उसके दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाते हैं, तो यहां पर वेलोसिटी जो है v1,
क्योंकि M1 वाला अपना वेलोसिटी चेंज कर देगा, स्ट्राइकर वाला अपना वेलोसिटी चेंज कर देगा टकराने के बाद, V1 वेलोसिटी हो गया उसका, तो मैं देख रहा हूँ कि थीटा वन एंगल बना करके जा रहा है, तो खटाक से मेरे दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि अगर थीटा वन एंगल बनाया है तो इसके दो कॉम्पोनेंट डिवाइड होंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो V1 cos theta 1 horizontal component, V1 sin theta 1 vertical component. Similarly, theta 2 angle बना करके M2 भी तो जा रहा है, इसका भी तो velocity V2 हो गया, भले इस पहले में rest पे था, U2 zero था भले, लेकिन अभी तो velocity gain कर लिया, तो इसके दो component V2 cos theta 2 and V2 sin theta 2 दो components मिल गए आपको. अब हमें देखना है बेटा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है. क्यों करना है? क्योंकि टॉपिक वे है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, और इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको अप्लाई करना पड़ेगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ मोमेंटम होने चाहिए, जैसे पहले तो होना चाहिए क्या एक्स एक्सिस के अलावा, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस है, तो हमेशा दो दो एक्सिस की बात करेंगे. तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, फिर क्या निकालना पड़ेगा, नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, इन दोनों को एक्स एक्सिस वालों को एक साथ इक्वेट कर देंगे, फिर वाई एक्सिस की बात करेंगे. नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस. तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस कैसे हो सकता है जबकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही था, तो वाई की तरफ तो होगा ही नहीं, और यही रीजन है बेटा यहां पर मैंने अलोंग वाई एक्सिस में नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या रखा हुआ है, जीरो रखा हुआ है, क्योंकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी था ही नहीं, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग था. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मैंने अलग अलग वैल्यूज निकाली हुई है. देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए M2 U2 जीरो, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो, और M1 U1 एक्स एक्सिस के अलोंग नेट मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन M1 V1 cos theta 1 एक्स एक्सिस के अलोंग, M1 V1 sin theta 1 वाई एक्सिस sin theta वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है. तो सिमिलरली यहां पर M2 V2 cos theta 2 एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स को एक साथ लेंगे, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट्स को एक साथ लेंगे, तो वही मैंने किया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस अलोंग, यानी कि कंजर्वेशन लगा रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं. तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस के अलोंग M1 U1 ही तो था क्योंकि दूसरा वाला तो जीरो पे था, इक्वल टू M1 V1 cos theta 1 प्लस M2 V2 cos theta 2, फिर अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में कोलिजन के पहले कोई वेलोसिटी ही नहीं थी, तो मोमेंटम अपने आप जीरो हो जाएगा, इक्वल टू M1 V1 sin theta 1 माइनस M2 V2 sin theta 2. समझ आ गया? तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है. तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए. ओके बच्चों, तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, यानी कि टू डायमेंशन में अगर कोलिजन होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहेंगे क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेंस कंजर्व, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा. और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंजर्व किया है, केवल मोमेंटम को कंजर्व किया है, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस को कंजर्व कर दिया है. तो अब हमारा टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो टॉपिक होगा बेटा इसी में है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? नहीं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसीलिए मोमेंटम को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोगों ने डिवाइड किया था. सिंस काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी को एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग लेना नहीं पड़ेगा. आप सिंपली काइनेटिक एनर्जी का क्या कर सकते हो, डेरिवेशन यहां पर यूज कर सकते हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो. देखो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है बेटा, कहता है नेट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, नेट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू नेट काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. तो नेट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा बेटा, हाफ
एम वन यू वन स्क्वायर हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, लेकिन यू टू तो जीरो है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना है, जीरो है, तो हाफ एम टू यू टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो है। चलो ये जीरो हो गया। उसके बाद नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, क्यों नहीं वी वन कॉस थीटा वन एंड वी वन साइन थीटा वन ले रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर हमें एंगल वा से कोई मतलब नहीं, हमको बस एनर्जी से मतलब है। तो कितना हो जाएगा, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। बेटा ये हो गया आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोग डायरेक्ट नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ। बाय।